Hey, what's up, guys? Good morning. बड़े बड़े कुत्ते रखने से यही नुकसान है, चिल्लाएंगे इतनी तेज कि सामने वाले बिल्डिंग में आवाज चली जाए। आज हम करेंगे गोराई पे बिल्कुल साइकिल राइड, पुत्तन गोराई ये सारा कवर करेंगे। What's up guys? आज पहली बार मैं साइकिल से इतनी लंबी राइड पे निकल रहा हूँ। देखिए ये है हमारा प्यारा भाईंदर और इस समय बज रहे हैं घड़ी में 3:30, लेकिन ये धूप अच्छी लग रही है अभी क्योंकि ठंड का मौसम है। काहे का ठंड मुंबई में, ठंड तो हमारे यूपी में पड़ती है। साइकिल का फ़ायदा यही है कि आप कहीं से भी उठा करके ऐसे ब्लॉग बनाते रहिए। एक बार ज़रा दूर से दिखा देता हूँ, इस पर बैठ के मैं चल रहा हूँ और मेरी शक्ल देखने के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा और आगे पहुँचते हैं तब दिखाता हूँ। देख रहे हो इतनी चौड़ी सड़क, कहाँ चला लूँ। आई लव दिस प्लेस। पहले मैं मीरा रोड में ही जॉब करता था, तो जब भी फ्री होता था ना तो हम लोग इसमें आकर के क्रिकेट खेलते थे। हाँ, कोई पेट्रोल वेट्रोल कुछ नहीं। अब लोग धीरे धीरे पूछ रहे हैं भाई बैटरी वाला है क्या। ये चल जाएगा 45 किलोमीटर, 55,000 का है। हाँ हाँ वही तो, गाड़ी के बजट में साइकिल ही है, अभी क्या करें। तो मेरे जैसे ही साइकिल एक मेरे दोस्त और ने खरीदी है। हे व्हाट्सअप आदि, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत अच्छा शो मिला जी टीवी का, बहुत ही बढ़िया, आप खूब नाम कमाई है। सोनी टीवी। पहले आप हमें ये बताइए कितने टाइम से आप ये चला रहे हो। 1 महीना हो गया। इसमें क्या अच्छा लगा आपको खास? बेस्ट क्रूज मोड। अच्छा, क्रूज मोड मतलब ये क्या है? क्रूज मोड ऐसा होता है कि अगर 40 पे चलाना चाहते हो या 20 पे चलाना चाहते हो, 25 पे चलाना चाहते हो, यू हैव टू जस्ट लॉक द स्पीड, आपकी गाड़ी उसी स्पीड पे जाएगी। तो इसकी हाई स्पीड क्या है? 40-45 हाई स्पीड है। घर से मुझे यहाँ आने में और जाने में तकरीबन समझ लो कि 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता, लेकिन वो और अभी मैं सिर्फ 100 रुपये लेके चलता हूँ, मुझे जरूरत नहीं और पैसे की, और वो 100 रुपये का अब जूस मेरे पेट में जाएगा। चलो निकलते ना, तो सनसेट हो जाएगा। yes. यार ये शॉर्ट्स पहनने का कॉन्फिडेंस मुझे भी दिला दो यार। हटाओ, यहाँ मास्क की जरूरत नहीं है बिकॉज नेचर के बहुत करीब आ गए हैं। देखिए वहाँ से केरला शुरू हो जाता है और दिस इज द प्लेस जहाँ पर अभी हम फोटोशूट करेंगे। मैं रोड पे ये कैमरे रख करके ऐसे हम लोग साइकिल भगा रहे हैं शॉट के लिए सिर्फ, तब तक पुलिस की जीप आ गई। अभी जो आपने ये राइड देखी ना, ये था क्रूज मोड पे सेलेक्ट। और क्या होता है क्रूज मोड पे? क्रूज मोड पे क्या होता है कि आपका जो हैंडल है ना वो स्टेबल हो जाता है, और जैसे भी आप स्पीड को ब्लॉक करते हो ना तो उसी स्पीड से गाड़ी निकलती है जाती है। कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे सेट करते हैं? ओके, मैं आपको बताता हूँ एक ट्राई। सो हमने थ्रॉटल दिया फुल, थ्रॉटल देने के बाद वो पीछे व्हील देखो कैसे घूम रहा है ना, तो हमें इसको 20 समझ लो, व्हील घूम रहा है 22, स्पीड हो रही है हमारी 23, हमें इस पे लॉक कर रहा है, तो हम लोग पीछे का बटन दबाएंगे ये वाला कांस्टेंट और ये क्रूज मोड पे चला गया। ओके, तो ये क्रूज 3 पे सेलेक्ट हुआ? नो, इट्स 3 इज अ पेडल असिस्ट मोड, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस वन, वी हैव टू थिंक अबाउट क्रूज मोड ओनली। ये फंक्शन मैं अपने में भी यूज करूंगा। If you want to cut the cruise mode, if you want to again do the throttle, if you don't want cruise mode again, so you have to just press the brake and cruise mode is off. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत है इस बाइक में, वो आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगी। जब मैंने ली थी तब मुझे हेडलाइट चालू करना भी नहीं आ रहा था, तब मैंने YouTube पे वीडियो देखा तो ये आगे वाली जो बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करने पे हेडलाइट जलती थी। जब आपको लगे कि आगे की सड़क बिल्कुल खाली है तभी आप ये मोड सेलेक्ट करें, क्योंकि इस मोड में कंटिन्यूस बाइक चलती रहती है। यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारे मोड्स हैं जो कि आपके साइकिल राइड को बहुत ही आसान बना देती है। अगर हम नॉर्मल बाइसाइकिल की बात करें जो 3 से 4,000-5,000 रुपये की आती है, उसमें ऐसा कोई सा भी मोड नहीं होता। आराम से जैसे भी आपकी हिम्मत हो, जैसे भी आपको पैडल मारना हो वैसे मारें, धीरे धीरे मारें, जोर से मारें, चला के मारें, ना मारें। बट स्मार्ट बाइक अगर आप लोगे तो ये सारे फंक्शन सारे मोड्स आपको मिलेंगे। दैट्स अ रीज़न बिहाइंड कि यू हैव टू पे एटलीस्ट 50,000-40,000 रुपीज़ फॉर स्मार्ट बाइक, इसलिए ये सारी बाइकें महंगी होती हैं, और कोई रीज़न नहीं है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा प्लान करें कि
एक ग्रुप ज्वाइन करते हैं और लंबी लंबी राइड पर निकलते हैं साइकिलिंग के लिए। जो भी साइकिल लवर हैं ऐसे ही झुंड में निकलते हैं, और जो साइकिल लवर नहीं है वो यही बोलेंगे कि भाई इतने में तो बाइक आ जाती। वो मेरे से पूछते हैं ये बात कि कितने के लिए और कहाँ से ली, तो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि ड्यूड कहाँ से तो मत पूछो, कितने का हिसाब ये है कि 60,000 की है। और बोलते 60,000, अरे यार स्कूटर क्यों नहीं लिया। मैंने कहा मैं अपने पेड़ पौधों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनको मरने ही देना चाहता हूँ, तो पोल्यूशन फ्री हिंदुस्तान ये नारा लगा के चलते चलो। ओके, तो ये जो कंपनी है ई मोटोरेड्स, इनके बाइसाइकिल की 3 वेरियंट्स हैं। पहला तो EMX जो हम दोनों चला रहे हैं, दूसरा है T-Rex, वो भी आपने मेरे एक ब्लॉग में देखा ही होगा, रेड कलर की बाइक है, और तीसरा है डूडल जिसको अभी तक हम लोगों ने ट्राई नहीं किया। बहुत ही सन्नाटा है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। जरा क्या है, दत्तात्रेय जी का मंदिर, और ये क्या डिज़ाइन बनाया मस्त रोड पे, बहुत सन्नाटा है यार इधर। ये ब्लॉग कब एडिट करेगा? ऐसा खड़ा पहाड़ है। यस, वहाँ पर कितना डर लग रहा है देख के, कहीं स्लाइड लाइड हुआ तो। कुछ भी। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? नहीं कुछ करूँगा। अबे इतनी चढ़ाई में तो पैडल असिस्टेंट भी काम नहीं करेगा, बट नो इट्स वॉकिंग। देख लो बिल्कुल, मुझे ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक हाथ से मैंने ऊपर चढ़ा लिया। ये जगह पर मैं पहली बार आ रहा हूँ। मस्त बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ। ए भाई, तुम रात में आत्माओं से बात करते हो मुझे पता है। हाँ तुमको क्या लगता है हम डरते हैं? अबे कब्रिस्तान तो नहीं है ये? कब्रिस्तान नहीं है, पागल है। पीछे ग्रेवयार्ड दिखा मुझे, अबे ये सब क्या है? अरे ग्रेवयार्ड है ये। जब आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो ना नई जगहों का तो एक बार जाना चाहिए, आगे रास्ता ही नहीं है। क्या व्यू है यार, क्या है वो, आओ जरा जन्नत की सैर करें। सुपर, क्या व्यू है यार, बापरे कितना ढलान है। ओ अभी यहाँ पे लिटरली एयर का प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरे कान से पता चल जाता है कि प्रेशर कहाँ पे कम है कहाँ ज़्यादा है। सीरियसली देखो ना कितनी हाइट है ये। फोटो से पहले ये प्यारा छोटी बेबी क्या करती है इधर, आ जाओ तुम इधर। ऐसा रोड पे क्यों बैठी थी भाई, कितना क्यूट है। किधर है तेरी माँ, तेरी माँ किधर है बाबू? अच्छा वो है। इतना खूबसूरत व्यू देख के समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, फोटो निकाल लें कि देख लें। देखो जितने लोग मुंबई से बाहर रह रहे हो ना, आपको एक कमाल की चीज़ भी दिखाता हूँ। ये जो है मेरे पीछे, ये सब फिश है, ऐसे फिश टंगी रहती है और इसको ड्राई करके एक्सपोर्ट करते हैं, ड्राई फिश। बहुत महंगी बिकती है ये। पहली बार जब मुंबई आया था 12 साल पहले ना, तो ये सब इतना ज़्यादा स्मेल करता था मुझे कि ऐसे नाक बंद करके जाता था हर जगह। लेकिन कितना बंद करोगे, 2 साल में ऐसी आदत पड़ी ना, अब इसके महक से कुछ नहीं होता। क्योंकि जिस एरिया में हम लोगों का शूटिंग होता है ना, वो एरिया ही पूरा ड्राई फिश का हब है। यार ये कौन सी फिश है, ये फिश कौन सी है? बोम्बिल। बोम्बिल, दिस इज कॉल्ड बोम्बिल। तू खाता है बोम्बिल? या। उसको नीचे मत आने देना, इधर बहुत गाड़ी चल रही है। कितनी मछली खाया तू, कितनी मछली खाया? ये बहुत वीक है यार ये। गाइज ये जो जगह है ये है पाली, उत्तन से बिल्कुल आखिरी छोर है, और यहाँ पे सिर्फ यही वाली बस चलती है जिसका नंबर है ये, जो आपको भाईंदर स्टेशन से मिलेगी। ए मुन्ने बाय बाय, जा बच्चे संभाल अपने, बैठ के भूख रही है वहाँ से। बच्चे पाल नहीं सकती तो पैदा क्यों करती है, जाके बच्चों को दूध पिला, कब से मछली खा रहा है वो। पाली बीच, यस यस, इसी में तो पार्टी थी हमारी। सारी सूखी मछलियां बोरे में भरी जा रही है। Thank you.
ये जगह मुंबई से बहुत दूर एकदम आउट में है और यहाँ पे पेट्रोल पंप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बाहर से पेट्रोल लेकर के आएंगे ना तो इनको बहुत दूर पड़ जाएगा। और यहाँ से डायरेक्ट चलती है बोट, शिप, ये सब फिश पकड़ने जाते हैं, उनकी अलग बोट है, तो उन सब के लिए पेट्रोल चाहिए, इसीलिए गैलन यहाँ पर रखा हुआ है कि ताकि आप गैलन भरिए, अपने बोट पे ला दिए और निकल जाइए मछली पकड़ने के लिए। वैसे तो ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, लेकिन देखने में जैसा लग रहा है कि जैसे इनका पर्सनल पेट्रोल पंप हो। तो अभी हम सैम की मम्मा के यहाँ हैं, सैम की मम्मा हमारे लिए बहुत बढ़िया चाय बना रही है। Hey guys, back to home. आज जाकर के इस साइकिल का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल हुआ, तकरीबन 40 किलोमीटर्स कुल मिला जुला के मैंने 100 रुपए पेट्रोल के आज बचाए हैं। खोलोगे ना? खोलोगे? खोलो 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 खोलो। हाय शाबाश, खोल तो लिया। हे गाइस, तो लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ट्रिप की तैयारी धीरे धीरे शुरू हो रही है। हे गाइस, तो लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ट्रिप की तैयारी जो है ना वो शुरू हो रही धीरे धीरे। तो अभी सुरभि ने मंगवाया है अपने लिए ये गर्म कपड़े का एक जैकेट और एक पूमा का शूज़, जिसमें अभी साइज़ इशू है तो वो गया है एक्सचेंज के लिए। मेरा ये जिम का क्लॉथ, ये मैंने एक बार हाफ मंगवाया था, इस बार मैंने फुल मंगवाया है। तो इन सब का लिंक माय हॉल स्टोर पे है और माय हॉल स्टोर का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए चेकआउट कीजिए। अमेज़ॉन पे तो हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ़र चलते ही रहते हैं, अभी क्रिसमस है तो फिर इसके भी बहुत सारे ऑफ़र्स हैं। तो आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस, बी हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।